क्या आप ऐसा राष्ट्रीय उद्यान घूमना चाहते हैं जहां एक सिंह वाला रेमू पाया जाता है? क्या आप भारत का सबसे बड़ा ऑर्किड पार्क देखना चाहते हैं जहां 600 से अधिक वैरायटी के ऑर्किड पाए जाते हैं? क्या आप ऐसे स्थान पर जाना चाहते हैं जहां मनमोहक आसामी फोक डांस चलता रहता है? क्या आप ऐसे पार्क का लुफ्त उठाना चाहते हैं जहां 100 से अधिक प्रकार की बांस की प्रजाति, 300 से अधिक प्रकार की धान की प्रजाति, फोक डांस वाद्य यंत्र का म्यूजियम, ट्रेडिशनल वस्त्र के साथ साथ घर में प्रयोग की जाने वाली सभी सामानों का म्यूजियम एक जगह मौजूद है? और वह जगह है नॉर्थ ईस्ट का सबसे बेहतरीन जगह, काजीरंगा ऑर्किड पार्क। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस प्रकार का इन्फॉर्मेटिव ब्लॉग चाहते हैं तो कृपया अपने YouTube चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होने पर इसकी सूचना आपको मिल सके। सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता है और ये काम जीवन में केवल एक बार करना होता है। चलिए मेरे साथ मनमोहक ऑर्किड के फूलों से मिलने। यहाँ आपको अंदर जाने के लिए प्रति व्यक्ति 250 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा। गेट के अंदर घुसते ही ऑर्किडेरियम आपको देखने को मिलेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के ऑर्किड के किस्में रखी गई हैं। इसका मनमोहक फूल आपके मन मस्तिष्क को एक अलग सुकून देगा। मैंने एक एक फूल का फोटो खींचने की कोशिश किया है, कृपया इस खूबसूरत फूलों का मजा लीजिए। भारत का सबसे बड़ा ऑर्किड पार्क काजीरंगा के सेंट्रल रेंज कोहरा चेरियालिक से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पार्क दुर्गापुर गांव में लगभग 6 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और इसे भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा ऑर्किड पार्क माना जाता है। इस पार्क ने काजीरंगा की गरिमा को कई गुना बढ़ा दिया है। ऑर्किड पार्क में 600 से भी अधिक प्रकार के जंगली ऑर्किड, 132 प्रकार के खट्टे फल, पत्तेदार सब्जियां, 100 प्रकार के बांस, 15 प्रकार के बेंत और कई अन्य पौधों के साथ साथ स्थानीय मछलियों की प्रजातियां मौजूद हैं। पहला, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से एक सिंह वाले गेंडे की सबसे अधिक आबादी के लिए जाना जाता है, जिसके बारे में ब्लॉग 30 मैं डाल चुका हूं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया देख लेंगे। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय ऑर्किड और जैव विविधता पार्क के लिए जाना जाता है। यह हमारी राष्ट्रीय विरासत के प्रतीक के रूप में नॉर्थ ईस्ट का गौरव है। विश्व में ऑर्किड के लगभग 35,000 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से लगभग 1,314 प्रजातियां भारत में पाई जाती है। और बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उत्तर पूर्व भारत में लगभग 850 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें लगभग 600 प्रजातियां केवल काजीरंगा असम के ऑर्किड पार्क में पाई जाती है। काजीरंगा ऑर्किड पार्क वास्तविक रूप से ऑर्किड फूलों का स्वर्ग है। इसकी स्थापना 2 प्रमुख उद्देश्यों से की गई थी। पहला कारण ऑर्किड की महान विविधताओं को संरक्षित करना और दूसरा प्रकृति की इस अद्भुत रचना के बारे में आम जनता में जागरूकता पैदा करना है। ऑर्किडेरियम के ठीक सामने एक भव्य म्यूजियम है, जिसमें आप प्रयोग किए जाने वाले सामानों के साथ असम की सभ्यता और संस्कृति को संयोग कर रखा गया है, जो बहुत ही आकर्षक है। यहाँ आप कपड़ा बुनते महिलाओं को देख सकते हैं, ये इतनी शिद्दत से कपड़ा बनाती है कि हर कोई वहाँ रुककर अवलोकन करने के लिए खड़ा हो जाता है। मैं भी अपने कैमरे में उस अविस्मरणीय क्रिया को कैद किया। यहाँ फोक वाद्य यंत्र को बहुत सलीके से म्यूजियम में रखा गया है। अगर आप काजीरंगा ऑर्किड पार्क आते हैं तो यहाँ अनवरत चलने वाले फोक डांस, असम का प्रसिद्ध बिहू डांस का मजा लेना नहीं भूलेंगे। चलिए हम लोग भी इसका मजा लें और बीच में हम लोग धान की 300 प्रकार के किस्म का भी अवलोकन करेंगे। चलिए पहले फोक डांस का हम लोग आनंद लेते हैं। Hey!
यहाँ कैक्टस पार्क है जो विकसित हो रहा है, ये आपके देखने के लायक है। इसके अलावा पार्क में एक औषधीय पौधा का उद्यान है, उत्पादन वितरण केंद्र के साथ चावल संग्रहालय, स्थानीय फलों और फूलों के लिए एक अलग उद्यान और मछलियों की देसी प्रजातियों के लिए एक समर्पित स्थान भी है, और घना वन जिसमें सांस्कृतिक केंद्रों के अलावा पेड़ों की विभिन्न देसी प्रजातियां उगी हुई हैं। पार्क के अंदर बांस और बेंत की देसी प्रजातियों को देखना न भूलें। यहां दिन का भोजन निश्चित करें, आपको 200 रुपये प्रति प्लेट में बहुत ही अच्छा खाना मिल जाएगा। यहां का पारंपरिक भोजन आपको एक अलग मज़ा देगा। यहां जाने में आपको गुवाहाटी या फरकटिंग रेलवे स्टेशन तक आना होगा, फिर वहाँ से आप निजी गाड़ी या भाड़े की गाड़ी से आ सकते हैं। यहाँ आने का कुल खर्च नेशनल पार्क और ऑर्किड पार्क घूमने में 3,700 से 4,000 रुपया लग जाएगा। अगर आप शेयर गाड़ी से घूमते हैं तो कम खर्च आएगा, वहीं रिजर्व कैब या सफारी से आपको 6,000 से 7,000 टोटल खर्च आएगा। यहाँ आप किसी भी महीना जा सकते हैं, पर काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जून से सितंबर तक बाढ़ के कारण बंद हो जाता है। यहाँ आपको होटल के साथ हर चीज़ की बुकिंग सही रेट में कराने के लिए आप बापन मालाकार काजीरंगा, जिनका मोबाइल नंबर 7002882195 और 9854518074 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, ये डाकघर में पार्ट टाइम वर्क करते हैं। आप इनसे संपर्क करके हर चीज़ सही रेट में बुक करा सकते हैं। दोस्तों, काजीरंगा यात्रा के लिए आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश किया हूँ। हम लोगों का ये दूसरा दिन था। हम लोग पार्क से बाहर निकलकर हाथ से बनी वस्तुओं की बहुत सारी मार्केटिंग किया, फिर हम लोग काजीरंगा को अलविदा कहकर शाम में चल दिया जोरहाट की ओर। आशा करता हूँ कि आज का ब्लॉग आपके लिए उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताना। अगर आप इस तरह का पोस्ट चाहते हैं तो कृपया अपने YouTube चैनल ट्रेवल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब्बा खैर, सलाम, नमस्ते।